हे गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, डरिए मत, मैं ही हूँ इंडियन ब्लॉगर ज़्यादा। तो दोस्तों, आज जो है हम ब्यूटी पार्लर नहीं जा पाए किसी कारण से, तो हमने सोचा हमारा व्रत जो है ऐसे ना हो। तो दोस्तों, हमारे पास फेस पैक पड़ा हुआ था तो वही हमने थाप लिया है चेहरे में। तो ये देखिए दोस्तों, हमने फेस पैक लगाया हुआ है तो वो थोड़ा सूखने वाला है, तो थोड़ा सूखा नहीं है। तो हमने सोचा आप सभी के साथ दिखा लेते हैं, नहीं तो आप बोलेंगे कि दीदी ने तो कुछ तैयारियाँ नहीं की करवा चौथ की, तो अलग से दिख रहे होंगे। तो दोस्तों, इसमें हंसना भी मना है, तो हंसी मुझे परेशान कर रही है दोस्तों। तो अभी जो है घर का साथ साथ सारा काम हो रहा है साथ साथ में, तो आज मैं बनाने वाली हूँ सोयाबीन की खिचड़ी, क्योंकि सुबह तो मेरा उपवास है, व्रत है करवा चौथ का। तो दोस्तों, सुबह मैं खाने वाली हूँ शकदन की खिचड़ी, तो मैं शाम को ही उसको अच्छे से भिगो कर रखूँगी, नहीं तो बना कर रख दूँगी। दोस्तों, आज है मेहंदी, तो आज मैं मेहंदी का ब्लॉग बनाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे शाम को मेहंदी भी लगानी है। तो मैंने सब काम ख़त्म कर लिया है अभी दोपहर का, तो सिर्फ चाय के वगैरह के बर्तन रहे हुए हैं, तो वही धोऊंगी मैं बर्तन जो है, और बाद में जो है सारा खाना पीना जो हो जाएगा, फिर उसके बाद मेहंदी लगाएंगे हम, तो आप सभी के साथ हम वो भी शेयर करेंगे। तो प्यार दीजिएगा बहुत सारा दोस्तों। तो अभी चलते हैं हम बर्तन धोने के लिए, क्योंकि हमने चाय तो पी ली है, तो बने रहिएगा ब्लॉग में दोस्तों। नहीं कह रहे थे दिलाकियार खाली सांडो चक्रम सगड़ा बर सुपल
ये भरू दे ना सरक ना माग होय ना उदे पानी ये सरक गान शो बादुला काय आई
बाबा गे ले बाबा पर पर कौन बी बिल नहीं ने लो बी बी दाता सो की बाबा सा जन्म कसला नहीं बाबा कपई कपई आवाज मिलावते मी करते थाम तू जस करते आधी खिचड़ी लागेल ना अभी कैसा नहीं खा रहा है अभी पसीना पसीना हो गया क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है ना तो ये देख सकते हैं घर में ही किया हमने और थ्रेडिंग भी हमने घर में ही बनाई है तो अभी तो हमने कुछ नहीं लगाया है फिलहाल सिर्फ पसीना पसीना ही है तो हमने अभी कंघी भी कर ली है तो कल करेंगे मेकअप शेकअप तो अभी थोड़ी देर के बाद जो हम खाना बनाने वाले हैं और फिर मिलते हैं आप सभी के साथ मेहंदी लगाते हुए दास दसल तुला बायाला अंशु दास दसल तिथ बायाला
फैन थोड़ा स्पीड करू का, फैन करू, गमी लागले दाबू नको ते। हमारा आधा आधा काम हो चुका था तो हमने फेस पैक लगा लिया था, वो सूख गया था, फिर उसको धो लिया, साथ साथ में काम भी कर रहे थे क्योंकि हमें बहुत सारा काम करना है, तब जाके हमने मेहंदी लगानी है दोस्तों। तो वो वाला ब्लॉग भी आप सभी के साथ शेयर करने वाले हैं हम, आगे देखिएगा, बने रहिएगा वीडियो में। तो दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं शिमला मिर्ची की सब्ज़ी और सोयाबीन की खिचड़ी, क्योंकि कल तो हमारा उपवास है, व्रत है करवा चौथ का। तो साथ साथ में अंशु को भी देखना पड़ रहा है मुझे, और अभी हम शिमला मिर्ची काट रहे हैं, फिर मसाला तैयार करेंगे सोयाबीन की खिचड़ी का। तो हम कद्दू को पीछे रख लिए क्योंकि वो पाव लगा रही थी, और उसको हम बाद में ही फ्रिज में रखेंगे। सोयाबीन को हमने भीगने के लिए डाल दिया था, तो उसको बाद में ही कुकर में डालेंगे सिट्टियों के लिए। तो बर्तन वगैरह झाड़ू वगैरह सब कर लिया था हमने शाम का टाइम का काम, तो अभी खाना बना के हमें खाना है, तब जाके हमने मेहंदी लगानी है। तो दोस्तों हमें मेहंदी लगाने वाला भी कोई नहीं है, तो भी काट लेते हैं हम सोयाबीन की खिचड़ी के लिए टमाटर, क्योंकि हम जो शिमला मिर्च बनाने वाले हैं वो महाराष्ट्र स्टाइल की शिमला मिर्च बनाने वाले हैं, उसमें मूंगफली वगैरह ऐड करने वाले हैं। और इसमें जो है सोयाबीन की खिचड़ी में हम हिमाचली स्टाइल की सोयाबीन खिचड़ी बनाने वाले हैं, मज़ा आ जाएगा आज खाने का, तभी इसलिए हम मसाला तैयार कर रहे थे हिमाचल वाला, टमाटर प्याज लहसुन हरी मिर्ची लाल मिर्ची और थोड़ा सा कुछ गर्म मसाले डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, जो देसी घी के साथ खाने वाले हैं, तो बहुत यम्मी यम्मी होने वाली है। ससमा को बोल रही थी मैं कि आप खा लोगे, वो बोलते ठीक है, और अंशु मुझे बार बार गुस्सा दिला रही थी बहुत ज़्यादा, मैं सोच रही कि मुझे गुस्सा नहीं करना है दो दिन जो है, लेकिन बच्चे मानते ही नहीं हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाती है, एक ही है मेरी तो, और जिसके दो दो होंगे बहनों वो कितना दुखी होते होंगे, स्कूल जाते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा खुश होते होंगे। मैं भी यही सोचती हूँ कि मेरी गुड़िया कब जैसे स्कूल जाएगी, बहुत परेशान करती है मुझे अभी से ही। आता पूर्ण आहे
तो अभी हमने जो एक तरफ शिमला मिर्ची डाल दी है और दूसरी तरफ हमने जो है वो सोयाबीन उबालने के लिए रख दी थी। तो फाइनली सोयाबीन उबल चुकी है, तो ये देख सकते हैं दोस्तों उबल गई है अच्छे से, दबरी है। तो आज हमने सोचा कि आज हम खिचड़ी बनाएं सोयाबीन की, तो आज हम खिचड़ी बनाने वाले हैं दोस्तों। और क्योंकि सुबह हमारा करवा चौथ है तो सुबह तो हम खाने वाले नहीं, तो हम जो है सोयाबीन का खिचड़ी का मसाला भी तैयार कर लिए हैं। तो ये देखिए दोस्तों अभी इसमें डाल देते हैं हम गर्मा गर्म सोयाबीन, क्योंकि हमने इसी कुकर में बनानी है। हाँ बहुत गर्म है, इसमें बनाएंगे हम अभी। ये तो हो गया, अभी गैस ऑन कर लेते हैं एक साइड की। हमने बहुत ज्यादा डाली हुई मसाला पीस के रखा हुआ है दोस्तों, ये देखिए इसमें जो सब डाला हुआ लहसुन वगैरह, तो सबसे पहले हम डालेंगे इसमें ऑनियन, हाथ से ट्राई करते हैं क्योंकि प्याज भूनने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है। देखिए शिमला मिर्ची तैयार हो गई है, इसको अभी खा सकते हैं। तो अभी हम खाना बना लेते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है हमें और हमने फ़ैन भी नहीं लगाया है, तो हम आप सभी के साथ मेहंदी लगाते बाहर मिलते हैं, क्योंकि अभी हमें मेहंदी भी लगानी है। हमने सोचा सब काम ख़त्म कर लेंगे फिर तब जाके हम मेहंदी लगाएंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार और मिलते हैं बाद में। हे गाइस, तो अभी हमने खाना भी खा लिया है, सोयाबीन की खिचड़ी बनाकर भी तैयार हो गई थी, तो हमने गरम गरम ही खा लिया क्योंकि हमारे इधर जो है लाइट का प्रॉब्लम रहता है शाम के टाइम, तो कभी कभी लाइट चली जाती है। तो दोस्तों हमने मेहंदी भी निकाल दी है, तो ये देखिए दोस्तों ऐसी मेहंदी लगाई हुई है हमने, और ये देख सकते हैं ऐसे उल्टे हाथ में भी लगाई हुई है। तो हमने छोटे छोटे हार्ट भी पेड़े हुए हैं इधर, ये देख सकते हैं इधर छोटे छोटे हार्ट है फौजी साहब के लिए, और हैप्पी करवा चौथ भी लिखा हुआ है दोस्तों। तो
दूसरे हाथ में कोई मेहंदी लगाने के लिए नहीं था, और हमारे सासू माँ को बिल्कुल मेहंदी नहीं आती है लगाने के लिए। एक में तो हमने लगाई ली, लेकिन दूसरे में सॉरी दोस्त हमने मेहंदी नहीं लगाई है इतने अच्छे तरीके से। तो ये देखिए ऐसी ही लगाई है हमने, और कोई लड़की भी नहीं है नज़दीक, नहीं तो उससे लगवा लेते हैं। और ब्यूटी पार्लर जो है हम जा नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें बहुत सारा ढेर सारा काम करना था, क्योंकि कल हमारा करवा चौथ है, तो करवा चौथ के दिन ज़्यादा काम नहीं करते हैं ताकि प्यास ना लगे, तो इसलिए हमने सब काम आज ख़त्म कर लिए हैं, तो कल हम थोड़ा रेस्ट करेंगे। तो ये देख सकते हैं हमने सिर्फ इस हाथ से पेड़ा, लेकिन वो अच्छे से नहीं निकला हमसे, और इसमें जो है हमने ऐसी ही जोर से दबाई जो कौन रहती है, और ऐसे सूखे सूखे ऐसे कर दिया है। और इस हाथ में कोई मेहंदी नहीं है, अगर कोई लगा देगा सुबह आकर तो ठीक है, चाची सासू माँ को बोलूँगी, क्योंकि वो खेत में गए हुए थे तो थक गए थे, तो उनकी हालत भी ठीक नहीं है, वो बीमार जैसे हो गए थे, नहीं तो थोड़ा बहुत वो लगा लेते हैं। तो दोस्तों आज हम इधर ही ख़त्म करते हैं ब्लॉग अपना, और कैसा लगा आज का ब्लॉग दोस्तों प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और दिल से सॉरी दोस्तों हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, हमने थोड़ा सा खाने का ब्लॉग भी बनाना था, खाना खाने का, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि फ़ोन में चार्जिंग नहीं था, और हमने सोचा हाँ लाइट चली जाएगी तो फिर हम कैसे फ़ोन चार्जिंग करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजली वगैरह कड़क रही है, तो इसलिए हमने वो ब्लॉग नहीं बनाया दोस्तों छोटा सा। तो मिलते हैं करवा चौथ वाले दिन सुबह 4 बजे के आसपास, तो ठीक है दोस्तों फिर बाय बाय।